Very good morning everyone and welcome back to my channel we vlog. और ये है आज का एक और नया दिन. तो आज हम जा रहे हैं जगदलपुर के लिए. एक्चुअली हमें निकल जाना था कल रात को ही, लेकिन हमने रात को जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि रास्ता जो है पूरा नक्सलाइड एरिया है. तो हमने सोचा कि नहीं, रात में निकलना ठीक नहीं है. तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5:57 हो चुके हैं और इधर मेरा मैप चालू है और हमारे भैया जी सुबह सुबह उनको उठा करके परेशान कर दिया गया है. और सामने का रास्ता अच्छा कुछ व्यू मिलता है तो बिल्कुल मैं शो करने का ट्राई करूंगा. बहुत ही अच्छा चीज़ कुछ निकालते हैं इस बार, सिनेमेटिक ट्राई है हमारा. थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में. एक्चुअली टायर से आवाज़ आ रहा है, चिक 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 चिक, ऐसा कुछ. तो समझ नहीं आ पा रहा है क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम. सॉकअप वॉकअप कहीं तक पकड़ तो नहीं रहा है कुछ. सॉकअप नहीं पकड़ा होगा, उठाएगा एक बार उससे कुछ होगा. डिस्क तो नहीं घिस रहा है. डिस्क हो सकता है, ये तो अंदर है. गरम हो गया ना, तांती तांती हो जाएगा. ऑल राइट, उतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बट थोड़ी ऑयलिंग की कुछ कमी हो गई. लेट्स सी, कोई टेंशन नहीं, आगे जाकर के हम चेक करवा लेंगे, उतनी बड़ी बात नहीं है. कैसा लग रहा है भैया? बहुत मजा आया. बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. तो लगभग 200 किलोमीटर कुछ चल गई है हमारी गाड़ी और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thousand years late. Welcome back, everyone. So, अभी हम जहां हैं वो मैं बाद में बताऊंगा कि अभी हम कहाँ हैं. और हमारे साथ जी हैं ये बलराम भैया हैं हमारे साथ, और इनको तो आप जानते ही हैं. बलराम भैया जो हैं यहाँ के लोकल हैं. और कौन सा गांव है भैया आपका? छिंदवाड़ा. छिंदवाड़ा, यहाँ से मतलब जगदलपुर से कितना किलोमीटर होता है? जगदलपुर से 35 किलोमीटर. अच्छा, बलराम भैया जो हैं हमारी प्रोजेक्ट जो है हमारी बुक लॉन्च होने वाली है उसके लिए हम यहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स दिलवाने वाले हैं. और तो वो हमारे साथ में जा रहे हैं, यहाँ के लोकल ही हैं, तो उनके साथ पे एक्सप्लोर करने का, जगह एक्सप्लोर करने का जो मजा होगा वो अलग ही होगा. तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग जंगल पे सर्वाइव करते हैं, कैसे वो रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, और मतलब वो ऐसा क्या करते हैं जो वो अपना जीवन चलाते हैं, किस चीज़ से अपना जीवन चला रहे हैं. तो बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे अब और भी मजा आएगा कि हम क्या दिखाने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, जिस जगह पे आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया ऐसा मैं बोल सकता हूं, उस जगह पर आज हम जाने का ट्राई करते हैं और आपको दिखाने का ट्राई करते हैं. सो जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको लेकर के चलूंगा एक ऐसी जगह पर जहाँ पे कुछ यूनिक देखने मिलेगा. और मैं आ गया हूँ उस जगह पर, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे ये जो है कौन सा पत्ता है, ये सरगी. सरगी का पत्ता साल. इसका साल सरगी का पत्ता वो कहते हैं इसको. और पत्ता, और इस पत्ते से यहाँ पर दोना बनाया जाता है. दोना मतलब क्या कह सकते हैं उसको, पेस्ट पीने का. हाँ मतलब दोना, जिसमें एक लाइक कटोरी जिसमें कुछ भी चीज आप यूज कर सकते हैं उसको, किसी भी चीज के लिए. मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं. एंड ये है वो चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये बन रहा है इस पत्ते से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे.
और ऐसे चीज जो है ये सिर्फ ऐसे ही जगहों पर देखने मिलती है, बाकी अदर साइड पे ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। असम धर्म बाकी ऐसे खाना। अच्छा ऐसे खाना ठीक ठीक तो चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है आगे, तो चलते हैं आगे। और हमारे दीपेंद्र भाई साहब, हमारे छोटू भैया बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, और हमारे बलराम भैया भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट लोकेशन पे मिलते हैं, टिल देन बाय। वेलकम बैक एवरीवन। और ये तो मेरी आदत हो गई वेलकम वेलकम कहने की, कोई ना। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मैं बताता हूँ। सामने जो चार पांच लोग चल रहे हैं वो हमको लेट कर रहे हैं, वो हमको ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जो हम अभी आए हुए हैं। ये जगह है यहाँ पे धुरवा ट्राइब्स का एरिया है ये, और वो हमको लेकर के जा रहे हैं सामने धुरवा गीत के लिए। कुछ लेडीज़ हैं यहाँ, ओल्ड लेडीज़ हैं, वो हमको धुरवा गीत गा करके सुनाएंगी। तो अभी हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको भी सुनाते हैं हम। लेकिन अगर आपको इसका पूरा अगर मज़ा लेना है तो बहुत ही जल्द हम एक पेज लॉन्च करने वाले हैं, वो आपको पता चल जाएगा हम क्या लॉन्च करने हैं। उसमें हम आपको एक एक चीज़, एक एक कल्चर के बारे में बताएंगे कि हम क्या हैं, और हम क्या हैं तो आप सब जानते हैं, हम क्या आपको दिखाना चाहते हैं, एक एक चीज़ आपको मिलेगा। अभी जो मैं डालूंगा इसमें आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि मैं क्या मेन मैं ट्रैवलिंग क्यों करता हूं, और मैं किस रीज़न से ट्रैवल कर रहा हूं, और आगे आपको क्या क्या देखने मिलेगा। तो चलते हैं अभी, ये सब हमको लेकर के चल रहे हैं आगे, आप देख सकते हैं।